Hello students, welcome in e-learning class of St. Michael's Academy. Today we are going to discuss about uniform acceleration and non-uniform acceleration. So let us know what is actually uniform acceleration. When the velocity of an object changes at uniform rate, then the acceleration of the object is called uniform acceleration. Students, jab किसी भी वस्तु की किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा हो तो उसके एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे. फॉर एग्जांपल, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म. जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है जो एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करता है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, और वो इक्वल अमाउंट में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, वो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज डिक्रीज करती है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म. तब हम उस वस्तु के उस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म कहेंगे. जैसे कि द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, एक वस्तु को जब हम ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं, जैसे छत से किसी वस्तु को नीचे गिराएंगे तो ऊपर से जब वो वस्तु नीचे की ओर आएगी तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा. टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस टेक एन एग्जांपल. सपोज there is a bike and a bike is moving on a straight path and it start its motion from rest. Now its initial velocity is 0 meter per second because it is at rest. हमारा जो बाइक है वो क्या है, रेस्ट के पोजीशन में, और जब भी कोई वस्तु रेस्ट के पोजीशन में होता है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है. अब 1 सेकेंड के बाद बाइक का वेलोसिटी हो जाता है 5 meter per second. फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड के बाद बाइक का वेलोसिटी 10 meter per second हो जाता है. फिर अगले 1 सेकेंड के बाद बाइक का वेलोसिटी 15 meter per second हो जाता है. तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, हर 1 सेकेंड के बाद बाइक की जो वेलोसिटी है वो 5 meter per second इंक्रीज हो रही है. हर 1 सेकेंड के बाद बाइक की वेलोसिटी 5 meter per second इंक्रीज कर रही है. यानी यहां पे जो इसका एक्सेलरेशन हुआ वो क्या है, सेम है. और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है. तो चलिए हम देखते हैं इसका एक्सेलरेशन क्या है. तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहां पे फाइनल वेलोसिटी 5 है. सो 5 - 0 / 1, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. तो यहां पे टाइम टेकन क्या है, 1 सेकेंड है इन दोनों पॉइंट्स के लिए. ये इसका इनिशियल वेलोसिटी हुआ और ये क्या हुआ, इसका फाइनल वेलोसिटी हुआ. तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 5 meter per second square. फिर यहां पे इन दोनों पॉइंट्स के लिए देखते हैं, जैसे ये हमारा ए पॉइंट्स हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ. तो बीसी के लिए हम एक्सेलरेशन देखते हैं क्या है, क्योंकि यहां पे भी वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 5 meter per second हुआ और यहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ, 10 meter per second हुआ. तो यहां के लिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो 10 - 5/1 = 5 meter per second square. यहां पे भी हमारा जो एक्सेलरेशन होगा 5 meter per second square होगा और यहां पे भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 5 meter per second square. ठीक है, क्योंकि पॉइंट सी के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो 10 meter per second होगा और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 15 meter per second, और टाइम टेकन क्या है, 1 सेकेंड.
तो फिर फाइनल वेलोसिटी से जब इनिशियल वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे और टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 15 मीटर पर सेकंड माइनस 10 मीटर पर सेकंड बाय 1 सेकंड इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्म रेट से, जो सॉरी वेलोसिटी, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, बाइक की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज कर रही है, यानी इसका एक्सेलरेशन जो हुआ वो क्या हुआ, यूनिफॉर्म हुआ। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो बाइक का वेलोसिटी है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे हमारा टाइम इंटरवल क्या है, इक्वल है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड एंड 1 सेकेंड, और ये इंक्रीज कितना कर रहा है, तो 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से या हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा बाइक है, बाइक का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि ये वेलोसिटी है, और हमको पता है जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो वो वेलोसिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो वैसे ही एक्सेलरेशन, जब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो तो उस समय हमारा वस्तु जो है, हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए, स्ट्रेट पाथ पे होना चाहिए, एक फिक्स डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है तो क्या होगा, उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, और इस तरह से उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, उसका एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे ही वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है तो वहां पे क्या होता है, रिटार्डेशन आ जाता है। अगर वो जो एक्सेलरेशन है वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट है तो क्या होगा, वहां पे रिटार्डेशन होगा, और एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो वहां पे एक्सेलरेशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब किसी वस्तु की वेलोसिटी चेंज हो रही हो और वो नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही हो तो उस वस्तु के एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज हो रही हो और कैसे चेंज होती है वो वेलोसिटी, तो नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज होती है, तब जाकर उस वस्तु के एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है अनइक्वल, यानी जब किसी वस्तु की वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो रही हो तो उस समय उस वस्तु का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ अ कार ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड इंक्रीजेज इट्स स्पीड बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द कार इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक यहाँ पे कार है, जैसे हम मान लेते हैं एक कार है और जो एक ये स्ट्रेट रोड हुआ और इस स्ट्रेट रोड पे एक कार ट्रेवल कर रहा है और ये अपने स्पीड को अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज करता है और टाइम इंटरवल क्या है, इक्वल है। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि एक कार है और ये अभी रेस्ट की पोजीशन में है, यहां से फिर ये 1 सेकेंड के आफ्टर इसकी वेलोसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, 5 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकेंड के आफ्टर इसकी वेलोसिटी जो है वो ये हो जाती है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड। इसे 10 नहीं लेते हैं हम इसे 15 ले लेते हैं, 15 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकेंड के आफ्टर इसकी वेलोसिटी हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकेंड के आफ्टर इसकी वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। जब ये कार रेस्ट पोजीशन में है तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। ये पॉइंट ए हुआ, ये बी हुआ, सी डी एंड ई। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टाइम इंटरवल जो है वो क्या है, सेम है, 1 सेकेंड है। टाइम इंटरवल क्या है, सेम है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड एंड 1 सेकेंड।
एंड हर 1 सेकेंड के बाद कार की जो वेलोसिटी है, कार का जो स्पीड है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे इनिशियल उसका जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड है, और 1 सेकेंड के आफ्टर कार की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है। यानी यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ वेलोसिटी, 5 मीटर इंक्रीज हुआ। यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ, तो 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हुआ। फिर ये सी से डी में जाने पे इसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज कर गई, तो इंक्रीज नहीं की यहां पे वेलोसिटी, डिक्रीज की है। यानी वो क्या हुआ, 5 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। अब फिर यहां पे वेलोसिटी इंक्रीज करके क्या हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए हम जान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन क्या है, बिकॉज हम लोग ये जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। सो यहां पे चेंज ऑफ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है और टाइम इंटरवल क्या है, 1 सेकेंड है। इसलिए यहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर बी से सी तक जाने में इसका एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा है, तो 10 मीटर पर सेकेंड बाई 1 सेकेंड क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर यहां का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो वेलोसिटी है कार की वो इंक्रीज तो कर रही है, इंक्रीज करने के साथ साथ ये अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज कर रही है, इसका अमाउंट जो है इक्वल नहीं है। जैसे यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी चेंज हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर गया, फिर यहाँ पे जाके डिक्रीज कर गया 5 मीटर पर सेकेंड, ये डिक्रीज कर गया, फिर यहाँ पे ये 10 मीटर पर सेकेंड ये इंक्रीज किया। यानी वेलोसिटी क्या हो रहा है, कभी इंक्रीज कर रहा है फिर कभी डिक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज जो कर रहा है उसका अमाउंट भी इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका टाइम इंटरवल सेम है लेकिन वेलोसिटी के इंक्रीज करने का जो अमाउंट है वो इक्वल नहीं है, वो अनइक्वल है। इसलिए इसका एक्सेलरेशन भी क्या आया, नॉन यूनिफॉर्म आया, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डिसेलरेशन हुआ, रिटार्डेशन हुआ, एक्सेलरेशन इसका क्या हुआ, डिक्रीज किया, यानी वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है। तो ये क्या हुआ, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया इसका एक्सेलरेशन। और ये क्या हुआ फिर, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये डायरेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो गया, यानी यहाँ पे स्पीड क्या हो गया, हाई हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु एक स्ट्रेट रोड पे ट्रेवल कर रही हो और उस समय उसका जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी है, अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज करे, तो हम क्या कहेंगे कि वो वस्तु की जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, कोई वस्तु जब स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, या तो इंक्रीज करेगी या तो डिक्रीज करेगी। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, जैसे कि इसमें हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी यहां तक डी पोजिशन, ये सी पोजिशन तक इंक्रीज किया फिर जाके डिक्रीज किया। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा हो डिक्रीज भी कर रहा हो तो वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। और जब वेलोसिटी केवल इंक्रीज कर रहा हो और वो भी यूनिफॉर्म रेट से, तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। या वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा हो लेकिन वो यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज कर रहा हो तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन जब वेलोसिटी इंक्रीज भी करता है डिक्रीज भी करता है या उसका डायरेक्शन चेंज होता है और इंक्रीज और डिक्रीज करने का जो अमाउंट है वो अनइक्वल है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम क्या कहेंगे कि उस समय उस वस्तु का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है, जब आप इन बातों को ध्यान नहीं रखेंगे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। लेकिन आपको ऑलवेज ये ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वस्तु का जो वेलोसिटी है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है, वो या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, और इंक्रीज या डिक्रीज करेगा तो वो यूनिफॉर्म रेट से करेगा, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज भी करेगा, साथ साथ डिक्रीज भी कर सकता है, लेकिन उसका इंक्रीज और डिक्रीज करने का जो रेट है वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा।
जैसे कि जब हम लोग एक कार को क्राउडेड रोड पे ड्राइव कर रहे होते हैं, तो उस समय क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, लेकिन जो फ्री फॉलिंग बॉडी होता है उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है।